अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। आईपीएल और उसकी फ्रेंचाइज लीग ने भाई क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कैसे कह रहा हूँ ये मैं बात। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के प्लेयर जो के लेटेस्ट प्लेयर हैं जो इंजरी का शिकार हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी इंजरी के बाद भाई बंदा आया आईपीएल खेल के बर्बाद हो गया। अब यह होने क्या जा रहा है फ्यूचर में, जोफ्रा आर्चर समेत या जो भी इंग्लिश के प्लेयर्स हैं या साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, वेस्ट इंडीज़ के, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइजेस अब सिर्फ आईपीएल तक महदूद नहीं है, अब वो सीपीएल में भी हैं, अब वो साउथ अफ्रीकन लीग में भी हैं, अब वो यूएस में भी जा रही हैं, अब वो सऊदी में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये लीग सिर्फ एक जगह के लिए प्लेयर नहीं खरीदेगी। जैसे जोफ्रा आर्चर के हमने रिपोर्टेडली सुना है, जोफ्रा आर्चर को एक डील हुई है ऑफर के, वो सिर्फ आईपीएल नहीं, वो सीपीएल के लिए भी बाउंड हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया के लिए भी बाउंड हो जाएंगे अगर लीग होती है, या जस्ट सीएसए की जो लीग है साउथ अफ्रीका की या वेस्ट इंडीज़ की जो लीग है उसके लिए बाउंड हो जाएंगे। क्योंकि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जैसे शाहरुख खान है उसका केकेआर भी है और उसका सीपीएल में भी है, जैसे मुंबई इंडियंस है उसका इधर भी आईपीएल में भी है और साउथ अफ्रीकन लीग में भी है, तो ये सारी लीग्स अपने प्लेयर्स को क्या करेंगी, कैप्चर। अब वो साल साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उनसे, उनको सारी लीग्स खिलाने का इरादा रखती हैं। अब इससे नुकसान क्या है, जो इंग्लैंड का प्लेयर है जैसे जोफ्रा आर्चर, अगर वो इन फ्रेंचाइज से बाउंड हो जाता है तो वो फिर एशेज नहीं खेल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की अगर मान लो एशेज है वो तो वैसे नहीं खेल पाएगा भाई, आईपीएल खेल के एल्बो इंजरी का शिकार हो गया। मगर एक बात कह रहे हैं कि उसको फिर इंग्लैंड से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इंग्लैंड आईपीएल की टीम से इजाज़त लेगा कि आया कि ये प्लेयर भाई मेरे लिए अवेलेबल है कि नहीं। अब ये इतनी ख़तरनाक बात है कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके प्लेयर्स अगर आईपीएल की इन लीग्स में या इन फ्रेंचाइजेज से बाउंड हो गए तो भाई जो इंटरनेशनल क्रिकेट तो ख़त्म हो गई, आप तो बिल्कुल फुटबॉल लीग पे ले गए उसको, तो आईपीएल ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इस वक्त क्रिकेट को और उनकी फ्रेंचाइजेज ने। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक चार्म होता था ना, जो नेशन आपस में खेल रही हैं, एक क्राउड आ रहा है देखने के लिए कि भाई नेशन वर्सेज नेशन हो रहा है, आपने ख़त्म कर दिया। आपने फ्रेंचाइज लीग अपने आपस में करा रहे हो और वो भी भाई आप कोई एक दिन के लिए नहीं करा रहे हो, आप 2 महीने के लिए करा रहे हो। 2 महीने में फटीग लेवल आपका हाई कर दिया, आपने अपने मैचेस 80 से ऊपर कर दिए हैं, टीमें अपनी 10 कर दी हैं, तो मतलब आप क्या चाह रहे हो, अगले साल आप 20 टीमों पर लेके जाओगे, 12 टीमों पर लेके जाओगे, 16 टीमों पर लेके जाओगे, आप अपना फटीग लेवल बढ़ा रहे हो प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है इसको सर्वाइव कर पाना। नुकसान आपका तो होगा नहीं, आपकी तो जेब में भाई बराबर पैसा आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो आपको थोड़ी मसला है, मसला इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स को है, इंग्लैंड को होगा, साउथ अफ्रीका को होगा, वेस्ट इंडीज़ को खासतौर से होगा। भाई वेस्ट इंडीज़ के तो प्लेयर आपको पता है, अब वो तो बेचारे अलग अलग मुल्कों से आए हैं, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो से आए हैं कोई, और जो भी है इनका वहाँ से आए हैं, वेस्ट इंडीज़ तो 3-4 मुल्कों का गठजोड़ है, वो उनके प्लेयर क्यों रुकेंगे वेस्ट इंडीज़ में, वो भागेंगे आईपीएल की तरफ या जो भी लीग्स में। तो आईसीसी को भाई या तो इसको कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे। भाई प्लेयर्स की पहली प्रायोरिटी उसके मुल्क होना चाहिए, मुल्क से एनओसी लिए बिना कोई प्लेयर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। बहुत क्लियर स्टेटमेंट एक बनाए ताकि ये बोर्ड्स की पावर बहाल हो। अगर तो यही प्लेयर शुरू हो गए तो भाई फिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा, सब जाके चैम्पियंस लीग के तर्ज पे जो ये लीग्स चल रही है ना बस यही खेलेंगे। और आप देखना है फ्यूचर में यही होने वाला है कि लीग्स होंगी, उसके बाद शायद फुटबॉल की तरह चैंपियंस लीग भी शुरू करा दें, भाई जब इतना करा दिया तो ये भी करा लेंगे, बचा क्या है। तो आईपीएल और इसकी फ्रेंचाइज लीग्स ने यार क्रिकेट का एक मजाक क्रिकेट का कर दिया, जेंटलमैन गेम को पता नहीं क्या बना दिया, चीयर लीडर्स गेम बना दिया उन्होंने तो। और आप देखो आईपीएल के दौरान इतना कोई डंडा करिया हुआ है आईसीसी को कि भाई उस दौरान कोई और सीरीज नहीं होने देते ये लोग। अभी आईपीएल हो रहा है 1.5-2 महीने से, एक सीरीज बता दो आप जो बड़ी हुई हो। पाकिस्तान इसलिए न्यूजीलैंड से खेल गया भाई क्योंकि पाकिस्तान आईपीएल में ना वो लोग बुलाते हैं ना हम जाते हैं, सीधी बात है, अगर हमें बुला रहे हो तो शायद हम जा रहे होते तो हमारी भी सीरीज़ नहीं होती। अभी फिलहाल पाकिस्तान आउट है तो पाकिस्तान अपनी सीरीज़ खेल ली, या छोटी मोटी आयरलैंड, बांग्लादेश, मतलब कोई टॉप टीम नहीं खेलती नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये लोग आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, और इंडिया तो खेलता ही नहीं है इस पीरियड में। तो आईपीएल की पावर भाई बहुत ज़्यादा है और आईसीसी को चाहिए कि अपनी क्रिकेट में काम करे, आईपीएल या इंडिया के लिए काम नहीं करे, वो आप पूरी दुनिया ही क्रिकेट देख रहे हो, मतलब ये वो बात है कि घर का सरबरा बैठ के बड़े बेटे की सुन रहा है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के ला रहा है, जो बाकी 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं उनको उन्होंने ठुड्डे लगाया हुआ क्योंकि भाई वो बेचारे अभी कम कमा रहे हैं। तो आईसीसी भाई ऐसा ना करो, सबको साथ लेके चलो, क्रिकेट का नुकसान आपका नुकसान हो जाएगा। अगर क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, लोग देखना छोड़ देंगे, व्यूअरशिप चली जाएगी आपकी। आपको क्या लग रहा है, लोगों को लीग में मज़ा आ रहा होगा, आईपीएल का मैच में ज़्यादा मज़ा होगा या कोई अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या इंग्लैंड न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा है? डेफिनेटली भाई जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हैं उसका प्रेशर अलग है, उसकी थीम अलग है, उसका सब कुछ अलग है,
उसमें ज़्यादा मज़ा है। आप वो ख़त्म करके आपने लीग्स पे काम करना शुरू कर दिया, लीग्स कराओ यार, आईपीएल कराने से मना नहीं है, लेकिन आप इसको लिमिट करो, आपने एक महीने में इसको लिमिट करो, और उस दौरान सब बोर्ड्स को इजाज़त हो भाई कोई कहीं भी सीरीज खेल सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बोर्ड्स को पावरफुल बनाओ, बोर्ड्स को इतना एम्पावर करो कि वो अपने प्लेयर्स के लिए लड़ सकें कल को, वरना ये आज जोफ्रा आर्चर की ऑफर हुई है पूरी इंग्लैंड को होगी, पूरी ऑस्ट्रेलिया, पूरी साउथ अफ्रीका, पूरी वेस्ट इंडीज़ को होगी, फिर क्या करेंगे भाई सब लोग, हाथ पे हाथ धर रख के बैठे रहेंगे और आईपीएल और फ्रेंचाइजी छा जाएंगे। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और उम्मीद करेंगे आईसीसी के थोड़े होश के नाखून ले लें भाई। खुदा का वास्ता, अल्लाह हाफिज़।